देखिए यूं तो लगभग 17 साल बीत चुके हैं, मगर ऐसा लगता है कि साल 2007 तो जैसे कल की ही बात है, जब T20 वर्ल्ड कप के लिए एकदम से एक यंग टीम को मैदान में उतार दिया गया। नया कप्तान, नए टेम्पररी कोच और कई सारे यंग खिलाड़ी। पहुंच गए अफ्रीका और उस यंग इंडियन टीम में एक लड़का था जिसको पुल शॉट खेलना बहुत पसंद था। जल्दी बताओ उस बल्लेबाज का नाम। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं क्रिको। तो उस खिलाड़ी का नाम है रोहित हिटमैन शर्मा, जिसने 2007 में T20 वर्ल्ड कप में आते ही एक कमाल की बहुत जरूरी 50 लगाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ और माही भाई के साथ इंडिया के लिए जीत का बेस तैयार किया। अगर इंडिया वो मैच हार जाती तो शायद T20 वर्ल्ड कप से बाहर ही हो जाती, मगर रोहित शर्मा ने फ्रंट फुट पर आकर उस मौके पर ऐसे ऐसे पुल शॉट मारे कि आज भी देखकर मन नहीं भरता, जैसे कि कल मारे रोहित भाई ने। हैं Once more। खैर, कल के मैच का पूरा हाल चाल और बवाल हमने अपने नोपो चैनल पर बनाकर डाला है, जाकर वहां पर वो वीडियो जरूर देखना। फिलहाल यहां पर हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, जिन्होंने कल पूरे T20 लीग में अपने 250 मैच पूरे किए। मजे की बात यह है कि इस लिस्ट के फिलहाल जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं, वो तीनों ही अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जो कि महेंद्र सिंह धोनी अब तक 256, आज हो जाएगा 257वां मैच। फिर नंबर 2 पर आते हैं रोहित शर्मा, 250 मैच, और थर्ड पर हैं DK, यानी 249 मुकाबले। क्या आप जानते हैं? जानते ही होंगे, दिनेश कार्तिक भी उस मैच में एक जोरदार गेम चेंजिंग कैच उन्होंने लिया था, जिस मैच में रोहित ने अपने इंटरनेशनल T20 करियर की पहली हाफ सेंचुरी लगाई थी। और एक कमाल हो रहा था धोनी की कप्तानी में, पर क्या वही कमाल जो 17 साल पहले हुआ था वही अब 2024 में भी होगा? क्या रोहित की कप्तानी में वो हो पाएगा जो धोनी की कप्तानी में हुआ था? किसको चुनेंगे रोहित अपनी टीम में? क्या वो DK को वर्ल्ड कप के लिए लेकर जाएंगे? क्या स्टंप्स के पीछे जो रोहित कुछ दिनों पहले DK को कह रहे थे वो सच हो पाएगा? क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके बताना, क्योंकि रोहित शर्मा ने अगर वर्ल्ड कप की टीम पर उनसे कोई सवाल कर ले तो भड़क जा रहे हैं। जैसा कि एक पॉडकास्ट शो में एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कबूला, वो क्या था पूरा माजरा बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि आज चेन्नई और लखनऊ के बीच मुकाबला, और इसका विजेता वही होगा जो अच्छा खेलेगा। पर आपको क्या आप नहीं खेलना चाहते और खेलकर जीतना नहीं चाहते? कैसे भैया? खेलते खेलते पैसे जीतने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, आपको भी मिलेगा, वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल वापस आते हैं। कुछ दिनों पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रोहित शर्मा ने टीम सिलेक्शन के मद्देनजर हेड कोच राहुल द्रविड़ और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से मुलाकात की, पर जब रोहित शर्मा से पूछा गया तो रोहित शर्मा ने इस बात को सिरे से नकारते हुए कहा कि जब तक मैं ना बोलूं ऐसा हुआ है, किसी भी रिपोर्ट को मत मानो। रोहित ने आगे कहा कि मैं किसी से नहीं मिला, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर दुबई में कहीं गोल्फ खेल रहे हैं और राहुल भाई अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, तो मेरी किसी से ना तो मुलाकात हुई ना बात। ये सारी बातें बकवास है। आगे जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये भी बकवास है कि विराट कोहली आपके साथ ओपनिंग करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सब गलत बात है, जब तक आप ऐसी बात मेरे मुंह से या राहुल द्रविड़ या अजीत अगरकर से नहीं सुनते तब तक इन बातों पर यकीन करना मूर्खता है। चलिए, वर्ल्ड कप में सिलेक्शन के मद्देनजर रोहित ने इतनी तो क्लैरिटी दे दी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई है। मगर जब उनसे पूछा गया कि क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए धोनी वेस्टइंडीज जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि भैया धोनी T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज आएंगे या नहीं इस बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए उन्हें मनाना मुश्किल होगा। लेकिन वो अमेरिका आ सकते हैं क्योंकि वो गोल्फ से जुड़े हुए हैं और वहां गोल्फ भी खेल सकते हैं। रोहित ने आगे कहा कि दिनेश कार्तिक को मनाना हालांकि धोनी से ज्यादा आसान है। याद तो सभी को होगा कि कैसे मुंबई और बेंगलुरु के बीच इस सीजन हुए मैच में रोहित ने शानदार बैटिंग कर रहे DK भैया को स्टंप्स के पीछे से कहा था, वर्ल्ड कप घूम रहा है दिमाग में DK के, वर्ल्ड कप खेलना है वर्ल्ड कप। DK पर बयान देकर ऐसा लगता है कि रोहित ने कहीं ना कहीं उनकी खिंचाई करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपकी खिंचाई नहीं, आपको आपके पैसों की सिंचाई का तरीका बताने जा रहा हूं। एक ऐसा ऐप जिस पर खेलते भी जाओ और प्राइजेस जीतते भी जाओ, मतलब ऐसा मजा कहां आएगा, खेलो भी और जीतो भी। ये मजा आपको मिलेगा zoopy.com पर। यहां पर आप खेल सकते हो 5 से 10 मिनट के छोटे छोटे गेम्स जैसे लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, और जीतने का मौका मिलेगा लाखों के इनाम सिर्फ 1 रुपए में। और हां, प्रिडिक्ट एंड विन भी है, जहां पर आप राइट थिंग प्रिडिक्ट करके एक्स्ट्रा कैशबैक भी एंजॉय कर सकते हो। मैच के बीच क्यों ना बढ़ाएं एक्साइटमेंट, बताइए क्यों ना जीतें एक्स्ट्रा विनिंग्स। और सबसे अच्छी बात, विनिंग्स को आप इंस्टेंट विड्रॉ भी कर सकते हो थ्रू UPI के बिल्कुल सेफ और सिक्योर तरीके से। तो अभी Zoopy को डाउनलोड करिए, जाइए zoopy.com पर और खेलिए 8 करोड़ से ज्यादा रियल प्लेयर्स के साथ। और हां, याद रखिए हर गेम पर लगने वाला GST एंड TDS का आपको मिल जाएगा कैशबैक भी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछले कई दिनों से मीडिया में T20 वर्ल्ड कप की टीम को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, जिसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही थी, मगर रोहित ने सामने आकर हर एक सवाल को हुक और पुल करते हुए ये कह दिया कि जब तक वो या द्रविड़ या अगरकर कुछ नहीं कहते, किसी की भी बात का भरोसा मत करिए। फिर भले ही मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही हो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड में 10 खिलाड़ियों के नाम तय हो चुके हैं, जो कि हैं विराट, रोहित, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पंड्या, बुमराह,
रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। अब इस रिपोर्ट का भरोसा करना चाहिए या नहीं, ये भी रोहित भाई ही बता सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना फैलाओ कि रोहित शर्मा के पास ये पहुंचे और फिर वो हमें बताएं कि वर्ल्ड कप में आखिर कौन कौन जाने वाला है। फिलहाल जाने से पहले एक बार आपको वापस याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके जूपी ऐप को डाउनलोड करिए, खूब सारे गेम्स खेलिए और ढेरों प्राइजेस जीतने का आपको मौका मिलेगा सिर्फ और सिर्फ zoopy.com पर। ठीक है, फिलहाल यहां से निकलते हैं, कल मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।